हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं नीम करौली बाबा कैंची धाम। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, बाइक से जा रहे थे, हम दो तीन दोस्त हैं। तो मैं यहाँ का कुछ अच्छा व्यू दिखाता हूँ जो मुझे दिखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था हमें, तो हम रुक के हमने सोचा फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और ये देखिए, इधर कुछ ऐसा हो रहा है। और ये इधर का व्यू आ रहा है, नीचे जो दिख रहा है नीचे हल्द्वानी है। हल्द्वानी से आप शेयरिंग टैक्सी जाती है उससे भी जा सकते हैं नीम करौली बाबा, और या तो बस जाती है, बस से भी जा सकते हैं। अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी रेंटल बाइक मिल जाती है, आप उस बाइक से जा सकते हैं। और बाइक से जाने पे एक अलग ही मतलब फील आता है, हरियाली चारों तरफ देखने को मिलती है। बस में थोड़ा क्लोज रहता है, इस वजह से थोड़ा सा वैसा होता है। हेलो गाइज, मुझे यहाँ कुछ और व्यूज दिखाया, मैं उसको दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पे नीचे कोई गांव है, उस गांव का व्यूज कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर से, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो नीचे सस्पेंशन ब्रिज भी है। और अभी हमारा टाइम हो रहा है आपका, अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं, ओके। और नीचे का कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है, ये देखिए नीचे सस्पेंशन ब्रिज है, एक देख पा रहे होंगे आप। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ये पहाड़ है, ऊपर बादल दिख रहे हैं पहाड़ के ऊपर। आपको कैंची धाम अगर जाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप उत्तराखंड आइए। उत्तराखंड में आके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कैंची धाम। और आप सबसे पहले आइए हल्द्वानी या फिर काठगोदाम में आ सकते हैं। काठगोदाम या हल्द्वानी से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा जो कि कैंची धाम के लिए जाता है। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो उत्तराखंड परिवहन का जो बस जाता है उससे भी आप जा सकते हैं, वो भी कैंची धाम आपको पहुँचा देगा। और मतलब ये है कि आप यहाँ आएंगे तो इतना ज़्यादा पीसफुल मतलब प्लेस है, आपको बहुत ही ज़्यादा पीस मिलेगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा पीस फील करेगा, ठीक है। अगर आप मतलब बस से नहीं आना चाहते हैं और शेयरिंग टैक्सी से नहीं आना चाहते हैं तो आप रेंटल बाइक भी मिल जाती है, रेंटल बाइक ले सकते हैं। और रेंटल बाइक के क्या प्राइस है अगर आप, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको उससे देख के आप आ सकते हैं, ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, फिर हम फाइनली पहुंच गए कैंची धाम, हम आ रहे थे। ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, ये रहा कैंची धाम नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा का आश्रम कैंची धाम जो कि काफ़ी फेमस है, यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं और इंडियंस तो आते ही आते हैं। ये देखिए नीचे, मैं अभी ऊपर हूँ, अभी नीचे जाऊँगा, वहाँ नीचे जाके दिखाऊँगा फिर आपको। ये देखिए फाइनली हम पहुँच गए बाबा के दरबार। बाकी नीचे पहुँच के मैं दिखाता हूँ वहाँ का कैसा अभी नज़ारा हो रहा है। ये देख रहे हो आप, ये देखो पहाड़ों का नज़ारा, बाइक से पहाड़ों में घूमने का अलग ही एक अपना स्वैग है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आते हैं, जैसे कि कार हो गया, कार वगैरह से आते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे मतलब पार्किंग का पूरा अरेंजमेंट है। और ये फ्री पार्किंग है कैंची धाम आश्रम के जस्ट बगल में ही पार्किंग है, वहाँ पे आप ये सामने जो देख रहे हैं पार्किंग, इस पार्किंग में जाके अपने बाइक या कार जो भी है पार्क कर सकते हैं, कोई भी मतलब चार्ज नहीं लगेगा और इजीली पार्क कर सकते हैं, और कोई मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कहीं बाइक कहाँ पार्किंग करना है, पार्क करके फिर एक बार हाथ पैर धुल के फिर जाते हैं बाबा के दर्शन करने। ये देखो, ये है नीम करौली बाबा का आश्रम। और ये देखिए, ये है ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा, और कितने सारे लोग आए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ आके एक अलग ही सुकून की अनुभूति हो रही है। हो गए
फाइनली बाइक हमने पार्क कर दिया है और अब हम अपना सूज रखने का कहीं देख रहे हैं कहाँ पे रखेंगे, और इधर का देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है, और उसके बाद से हम जाएंगे दर्शन करने। ये देखिए यहाँ पे ऐसा है कुछ, ये इधर का ऐसा है, उधर वो जो आगे सामने गेट दिख रहा है वो मेन गेट है, वहाँ के आगे उधर बता रहे हैं कि वहाँ फोन अलाउ नहीं है उधर अंदर, तो यहाँ पे ही मैं यहाँ तक ही आपको दिखा पाऊँगा, उस गेट तक ही, गेट के पहले तक ही दिखा पाऊँगा, गेट के बाद का तो नहीं दिखा पाऊँगा। और सही भी है कि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, अदरवाइज जो रील्स बनाने वालों की फिर लाइन लग जाती, जैसे कि आपने देखा केदारनाथ में दर्शन करने कम जा रहे हैं, रील बनाने ज़्यादा ही जा रहे हैं, तो वैसे ही मतलब ये है कि कम से कम लोग यहाँ आ रहे हैं तो एक फ़ोन से दूर होकर के पीस की अनुभूति करें, थोड़ा सा यहाँ पे मंदिर के जो इन्वायरमेंट है, जो वाइब है उसका इंजॉय करें, अपने माइंड को शांत करें, ठीक है। और ये इसके कुछ जो आसपास के जो व्यू हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ओके। और आपकी क्या राय है इस पे कि फ़ोन अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आप अगर बताना चाहें कुछ तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे बाकी आपको यहाँ के बाद इधर साइड में होटल वगैरह भी है, तो आप खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खा भी सकते हैं इजली। जब हम आए थे तब क्राउड नहीं था, अभी देखो क्राउड दिखाता हूँ कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ये देखो कितना ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है, देख रहे हैं। फाइनली हमने दर्शन कर लिया है और अभी अब हम निकलेंगे, निकलने से पहले हम अभी यहाँ थोड़ा मंदिर के आसपास का जो वाइब है उसको इंजॉय करने वाले हैं, और हम अभी हल्की हल्की झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है, तो इस बारिश का एक अलग ही, बारिश में मतलब पहाड़ों पे घूमने का एक अलग ही वो होता है, मज़ा होता है। ये देखो नीचे झरने से पानी जैसा आ रहा है, हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुक के इसको इंजॉय करेंगे और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद से अब यहाँ से निकलेंगे, और निकलने के बाद और भी मतलब जगह जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, उसका भी ब्लॉग आपको चैनल पे ही मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा, ओके। और आगे बने रहिएगा ब्लॉग में, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ इसी ब्लॉग में और आगे। धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा है और हम लोग अब निकलने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए लास्ट दिखा दे रहा हूँ एक बार, और ये इसका एग्जिट गेट है। वीडियो दो पार्ट में है तो अगला पार्ट आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ओके।